सुप्रभात दोस्तों, जीवाईसी जियो लाइफ यूथ क्लब की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज की सुबह एक विशेष सुबह है हम सबके लिए। वैसे तो हर सुबह स्पेशल होती है, हर सुबह खास होती है, हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन हम कुछ नया करने का प्रण लेके उठते हैं। तो फिर आज के दिन में ऐसी क्या खास बात है? यदि आज के दिन का हम सबको पता है कि ओकेजन क्या है, तो इंटरनेशनल योगा डे। अब ये इंटरनेशनल योगा डे इतना स्पेशल कैसे हुआ? योगा डे तो हर दिन होना चाहिए, और मैं बहुत स्पेसिफिक हूं तो इट इज नॉट योगा, इट इज योग। तो योग करने का दिन तो हर दिन होता है, तो फिर आज का दिन ही क्यों? तो मैं ये जरूर कह सकता हूं आज का दिन स्पेशल इसलिए कि इंटरनेशनल योगा डे। इसका मतलब न केवल हम लोग भारतीय लोग, बल्कि दुनिया का हर व्यक्ति योग को पहचान रहा है, उसकी कदर कर रहा है और उसकी प्रैक्टिस कर रहा है और करने की कोशिश कर रहा है, और जिनको नहीं मालूम है वो इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि कोई भी भारतीय जो सभ्यता, भारतीय नॉलेज, ज्ञान, ये जब विदेश होके लौटता है तो उसकी कदर होती है, अदरवाइज उसकी कदर नहीं होती। लेकिन इंटरनेशनल योगा डे ऐसा दिन है जबकि हमारी भारतीय एक जो बहुत बड़ी पूंजी है योग ज्ञान, इसको पूरी दुनिया ने समझा है और सीखने के लिए उत्सुक है। और दोस्तों, आज हम इसलिए भी बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे बीच जो आज के योगा इंस्ट्रक्टर हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं। उनके बारे में मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात आज के ऑर्गेनाइजर जियो लाइफ यूथ क्लब के बारे में। वैसे तो आप में से ज्यादातर लोगों को जियो लाइफ यूथ क्लब के बारे में मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को यदि जानकारी नहीं होगी या कम होगी, उनकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में और जियो लाइफ यूथ क्लब के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जियो लाइफ अग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो आप में से ज्यादा सब लोगों को पता ही है, आप लोग यहाँ काम भी करते हैं ज्यादातर लोग, और बाकी लोग भी समझते हैं कि ये एक कंपनी है जो नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाती है, और ये आज की हमारी भारतीय कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो कंपनी है जियो लाइफ अग्रीटेक, इसका एक डिवीजन है जियो लाइफ फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन का काम है सीएसआर एक्टिविटी करना, समाज सेवा के कार्य करना। ये कार्य तो सबके लिए करते हैं, लेकिन जो यूथ है, जो एक यंग पीढ़ी है, उनके लिए स्पेशल फोकस देने के लिए स्थापना की गई जियो लाइफ यूथ क्लब की। अब ये जियो लाइफ यूथ क्लब में हम क्या करते हैं? जो प्रोग्राम करते हैं वो यंग लोगों के लिए फोकस करते हैं, और मैं समझता हूँ दिल से सभी लोग यंग हैं, तो ये इनडायरेक्टली सभी लोगों के लिए है ये क्लब। लेकिन हाँ, हमारा जो फोकस होता है वो ज्यादा यूथ के लिए होता है। तो यहाँ हम करते क्या है, हमारे तीन डिवीजन है जिसपे हम लोग ध्यान फोकस करते हैं। सबसे पहला डिवीजन, जिसे हम कहते हैं एमएमबी या मिशन मिलियन बुक्स, हमारा टारगेट है कि मिलियन बुक्स हम लोग, मिलियन लाइब्रेरी या मिलियन बुक्स हम सेटअप करें। तो करते क्या है, हम लोग छोटे छोटे गांवों में एक एक लाइब्रेरी सेट करते हैं, या एक से ज्यादा की भी कोशिश करते हैं, खास करके स्कूलों में। तो किसी गांव में एक छोटी सी स्कूल है तो उसमें हम लोग लाइब्रेरी सेटअप करने में सपोर्ट करते हैं, बुक्स डोनेट करते हैं उनको और उसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ताकि ये जो किताबें हैं वो वहां के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास सुविधा नहीं है, उन्हें ये बुक्स मिल सके और वो उसको पढ़ सकें, और एक बार यूज करने के बाद वो बेकार ना हो, उसके बाद अगले स्टूडेंट के लिए वही बुक्स अवेलेबल हो। तो इस तरह से हम हर गांव में एक लाइब्रेरी खोलने का हमारा प्रयास है। ये है मिशन मिलियन बुक्स। इसके बाद दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहलाता है रेड डॉट, जो लेडीज के मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बातें होती है, जिसके बारे में लोग बात तक करना नहीं चाहते, जिसके बारे में लेडीज जेंट्स ये शब्द भी जबान पे नहीं लाना चाहते, लेकिन उसकी जो जानकारी है, उसकी जो हाइजीन है, उसके लिए जो सावधानियां बरतनी होती है, कम से कम जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो घर घर तक, न केवल लड़कियों को, लेडीज को, बल्कि जेंट्स को भी हम लोग सिखाना चाहते हैं कि
ये क्या है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उस वक्त एक लेडी की मनस्थिति कैसी होती है और उससे हम लोग सहयोग कैसे कर सकते, ये सारी जानकारी, और जहां जरूरत पड़े वहां मेंस्ट्रुअल कप और पैड्स भी डोनेट करते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारा तीसरा प्रोजेक्ट जो कहलाता है ओमेगा, डिजिटल ओमेगा। इसके अंडर में दो तीन तरह के प्रोग्राम करते हैं, एक तो करियर काउंसलिंग करते हैं, दूसरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करते हैं, और तीसरा कोचिंग एंड काउंसलिंग करते हैं। तो किसी भी यूथ को अपने डेवलपमेंट के लिए ये सपोर्ट की जरूरत हो तो वो डिजिटल ओमेगा से मिल जाता है। ये तीन प्रोजेक्ट के जरिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो देश का यूथ है वो इक्विप्ड हो, आगे बढ़े, हमारे संस्कारों को समझे, हमारे वैल्यूज को समझे और एक अच्छा देश बनाए, क्योंकि आज का यूथ कल का नागरिक है, और यहां यदि उनकी नींव अच्छी बन गई तो आप समझ सकते हैं कि आगे देश अच्छा बनाने में उनको, उनकी तरफ से हमें कितनी सहायता मिलेगी। सो दोस्तों, हम लोग अभी हमारे एमडी सर का भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे मैं उनको भी इनवाइट करूंगा कुछ शब्द आपसे कहने के लिए, लेकिन फिलहाल ये वक्त है मेरा इंट्रोडक्शन करने का आज के हमारे जो योगा टीचर है, योगा इंस्ट्रक्टर है, और मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे आज के योगा टीचर है श्री श्रीपाल जी राज पुरोहित जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें उनका साथ मिला है, तो उनको मैं इनवाइट करूँ। उसके पहले एमडी सर हैज ज्वाइन, सो मे आई इनवाइट एमडी सर टू टेल अस फ्यू वर्ड्स अबाउट योग, अबाउट आज का जो इनिशिएटिव है, अबाउट जियो लाइफ। एक अच्छी शुरुआत के लिए उनके प्रोत्साहक शब्दों की जरूरत है। सो एमडी सर श्री विनोद जी लाहोटी, आप सब उन्हें जानते हैं, एक बिजनेसमैन तो है ही, एक सेल्फ स्टार्टर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जो हमारे देश की वैल्यूज है, भारतीय संस्कृति है, उसके प्रति कटिबद्ध है, उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, और आप सबसे बहुत सारा सहयोग की उम्मीद करते हैं। तो आइए उनके शब्दों में सुनते हैं उनकी सोच, उनके विचार इस टॉपिक पे, आज के दिन पे क्या है। सो श्री विनोद जी लाहौर। आज इंटरनेशनल योग दिवस के दिन बहुत खुशी हो रही है कि हम हर साल की तरह इस बार भी बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमसे जुड़े जियो लाइफ परिवार से जुड़े सभी को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि योग करें। योग यानी नॉट ओनली फॉर बॉडी, योग होता है कंप्लीट लिविंग, हमारी बॉडी को, हमारे सोल को, हमारे माइंड को, सबको एम्पावर करने के लिए। तो आज हम हमारे योगा एक्सपर्ट जो है श्रीफल राजपुरोहित जी, जो पतंजलि से बिलोंग करते हैं, तो उनके द्वारा हम आज योग सीखेंगे। और आज हम यहाँ पे कोड़ाई कनाल में है, जो कि तमिलनाडु के डीलर्स, जो मेन डीलर्स है, और हमारे टीम मेंबर के साथ, सब साथ मिलकर हम योग करने वाले हैं, आप सबके साथ जुड़ने वाले हैं। तो सबको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद विनोद जी। सो आइए दोस्तों, अब बारी है उस मोमेंट की जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। ज्यादा वक्त ना लेते हुए श्रीपाल जी के बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं। इन्होंने एमए किया है योगिक साइंस में, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो इस क्षेत्र में कटिबद्धता है वो कहां से शुरू हुई। जैसा सर ने बताया, पतंजलि सर्टिफाइड योगा टीचर हैं, हरिद्वार उत्तराखंड से। 8 साल का एक्सपीरियंस है योगा में, मेडिटेशन, प्राणायाम, बेसिक योगा थेरेपी। और सबसे खुशी की बात है कि ही हैज बीन अवार्डेड एज बेस्ट कोच बाय WHRDO। ये WHRDO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही रेप्यूटेड संस्था है। और उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिला है योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पे। सबसे बड़ी जो एक उपलब्धि मैं मानता हूँ, एशियन इंटरनेशनल रैंक इनका है 2120, 2120 रैंक है WHRDO में, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो श्रीपाल जी आपका स्वागत है, ये फ्लोर अब आपका है, और आप जैसे जैसे गाइड करते जाएंगे हम लोग वैसे वैसे करते जाएंगे, और आज बहुत कुछ सीखने की, करने की उम्मीद लेके आए हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।
नौवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे देशवासियों को और वर्चुअल जो भी इस योगा सेशंस में जुड़े हैं उन सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जियो लाइफ एग्रीटेज एमडी सर विनोद लाहोटी जी और जो एनजीओ जियो लाइफ यूथ क्लब है, अरुण सर, प्रदीप सर और पूरी टीम और देश विदेश से जितने भी लाइव सेशंस में जुड़े हैं सभी को एक बार पुनः योग दिवस की, नौवे योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि मैं यही कहना चाहूंगा कि योग दिवस सिर्फ एक दिन का दिवस ना हो के हमारे जीवन में हर दिन योग दिवस रहे, नित्य प्रतिदिन, प्रतिदिन सुबह एक घंटा योग दिवस मनाएं, सुबह उठ के पूरे परिवार के साथ में बैठ के योग करें और आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन को आगे बढ़ाए। मित्रों, हम जीवन में कुछ भी कार्य करते हैं, हर किसी का अपना अपना कार्य होता है, अपना अपना फील्ड होता है, सब अपने अपने फील्ड में माहिर होते हैं, लेकिन उसी के साथ में जो हमारे सामने समस्या आती है, स्ट्रेस आता है, बहुत सारी समस्या आती है जिनसे हम मैनेज नहीं कर पाते, तो उन सभी से निकलने का, उनको मैनेज करने का एक ही तरीका है जो है योग। प्रतिदिन एक घंटा आप अपने स्वास्थ्य को दीजिए तो आप अपने जीवन में और समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। मैं अपने काम के साथ में योग को लेके चलता हूँ, मैं इतना खुश रहता हूँ, इतने काम को अच्छे से मैनेज करता हूँ। अभी सुबह का मैंने दो सेशंस ऑनलाइन लेके, अभी ये मेरा तीसरा सेशन है, इसके बाद में दो और सेशन है, लेकिन एक होता है कि हम कितने लोगों से जुड़ सके, क्योंकि योग हमें यही सिखाता है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है, योग का अर्थ होता है मिलन, जुड़ना। योग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कनेक्टेड, जुड़ना। तो अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से समझने जाए कि जुड़ने का मतलब क्या होता है, कैसे जुड़े, किससे कैसे जुड़े, तो आप देखेंगे कि जो हम श्वास लेते हैं और जो हम छोड़ते हैं, जो श्वास हम छोड़ते हैं वो पेट लेते हैं, जो पेट छोड़ते हैं वो श्वास हम लेते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक जुड़ना हो गया प्रकृति के साथ में एक इंसान का। तो अपना जो श्वसन तंत्र है वो यहाँ काम नहीं करके वहां पे काम कर रहा है। तो कहने का मतलब इस सृष्टि में हम और जैसे एक जीव है वैसे हम भी एक प्राणी है, हम भी अपना काम कर रहे हैं। तो मिलन जुड़ना जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब आपके आत्मा परमात्मा से मिलन होता है, जब आपका एक डिवाइन कनेक्शन होता है, जुड़ना होता है, तो उस समय आपका एक ही ध्येय होता है, एक ही लक्ष्य होता है कि समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करें। क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं, जब हम कुछ अच्छा करेंगे तो लोग हमें याद करेंगे, लोग हमारी बातें करेंगे, देश हमें याद करेगा। इतने महापुरुष हुए, सब हम सब उनको क्यों याद करते, क्योंकि उन्होंने देश को, देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया किया है, कुछ देखे गए। आज जैसे आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो स्वामी विवेकानंद जी, आज पूरा देश यूथ इनको एक यंगस्टर के तौर पे मानता है, जानता है। तो क्यों मानता है, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कम समय में बहुत कुछ किया था। लेकिन आते हैं, अपनी उम्र पूरी करते हैं, जाते हैं, लेकिन उनको लोग याद नहीं करते। तो स्वार्थ भावना से खुद के लिए जीता है, जब हम समाज देश के लिए जीने लगते हैं तो हमें समाज देश याद करता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो हम कार्य कर सकते हैं वह है योग। आप योग सीखकर अगर 10 लोगों को भी प्रतिदिन योग कराते हैं, या 5 को भी कराते हैं, या अपने परिवार को भी अगर योग करवाते हैं डेली, और आप अपने खुद से जुड़ के जब आप 5 लोगों को भी जोड़ते हो तो ये एक बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। और जियो लाइफ यूथ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, मुझे आप सभी से जुड़ के बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आपसे मैं रूबरू भी हूँ और आपके साथ मिलके और भी कार्यों को आगे बढ़ाऊँ। और आपका सपोर्ट, मेरा सपोर्ट, सबका मिलके, सब जब मिलके एक कार्य करते हैं तो उस कार्य को बहुत अच्छी गति मिलती है। तो उसी गति के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। अब हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, 3 बार करेंगे, सभी ध्यान मुद्रा लगाएंगे,
अपनी कमर को सीधी करेंगे। जो भी आप सुखासन में आराम से बैठ पाओ उस आसन में बैठेंगे, ध्यान मुद्रा लगाएंगे, आंखें सभी की बंद होगी, आंखें किसी की खुली नहीं होगी, प्रेम पूर्वक आंखें बंद करना है और मन ही मन भगवान को, उस प्रभु को, उस डिवाइन एनर्जी को महसूस करना है, धन्यवाद देना है कि हम आपके शरण में बैठे हैं, हमने आपको, हम आपके शरण में सरेंडर हो गए हैं। पहले तीन गहरी सांसें भरनी है, डीप ब्रेथ इनहेल एंड एक्सहेल, डीप ब्रेथ इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे ओम भूर्भुवस्व तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे अपनी, सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे। थ्री टाइम ओम चैंटिंग करनी है। ओम का जो डिवाइन एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड में है, तीन बार हम डीप ब्रेथ इनहेल करेंगे, गहरी सांस को अंदर भरेंगे और ओमकार का अनुवाद करेंगे। डीप ब्रेथ इनहेल Deep breath inhale Deep breath inhale आगे बंद रखिए अपनी सभी, मन ही मन प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए भगवान से कि आपने हमें इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे, इस शुभ अवसर पे हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम आपसे कनेक्ट हो सके और हम अपने आप को, अपने हृदय को जान सके। जो हमारा मन है, जो संचल है, जो भटक जाता है, उस मन पर हम अपने विजय पाए और हम अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़े और समाज कल्याण और देश कल्याण के लिए अग्रसर हो जाए, ऐसी हमें ताकत दीजिए हे प्रभु। जो भी आपका ध्येय है, जो भी आपकी निष्ठा है, उन पे आसक्त होके ध्यान कीजिए और उस डिवाइन एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कीजिए और उनका धन्यवाद दीजिए कि आज आपने हमें यह मौका दिया है। प्रेम पूर्वक धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और रिलैक्स। अब हम प्रैक्टिस, अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए जो योगा प्रोटोकॉल, जो गवर्नमेंट का जो योगा प्रोटोकॉल है, हम उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही योग करवाएंगे, क्योंकि हमारे साथ में बच्चे,
और एक एज के भी जुड़े हुए हैं सारे, तो हर एक की अलग अलग डिजीज होती है, अलग अलग बीमारी होती है, तो उस अकॉर्डिंग हम ज़्यादा डीप नहीं जाते, जो प्रोटोकॉल योगा है वही करवाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए सारे। मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, नॉर्मल वार्म अप करेंगे, पांव में हल्का सा फासला देंगे आपके दोनों हाथ आपकी कमर पे। सबसे पहले हम गर्दन के लिए करेंगे, गर्दन को लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट देखेंगे, आपका मुंह बंद रहेगा, आपको जो ब्रीदिंग है वो नोस्ट्रिल से करनी है, अपने नाक से ब्रीदिंग इन आउट करनी है आराम से ब्रेक पूर्वक, पहले लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट, प्रेम पूर्वक धीरे धीरे करेंगे। जिनके नेक में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, वो बहुत आराम से करेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब लेफ्ट टू राइट रोटेट करेंगे गर्दन को, पहले आगे झुकाएंगे, ब्रीदिंग इन करते हुए आराम से पूरी गर्दन को रोटेट करेंगे प्रेम पूर्वक धीरे धीरे, बाय टू थ्री फोर फाइव, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, राइट टू लेफ्ट, वन टू थ्री फोर फाइव, दोनों हाथ अपने शोल्डर पे, हाथों को आगे से पीछे की ओर ले जाएंगे, श्वास को गहरा भरते हुए और छोड़ते हुए, एक दो तीन चार पांच छह, अब शोल्डर को उल्टी पीछे की और से आगे की ओर, एक दो तीन चार पांच, रिलैक्स, दोनों हाथ कमर पे, कमर को रोटेट करेंगे जैसे आगे की ओर, एक दो तीन चार पांच छह, अब राइट टू लेफ्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। हाथों की सूक्ष्म क्रिया करेंगे, अपने फिंगर्स के मूवमेंट को करेंगे, ब्रीदिंग इन आउट करते हुए फिंगर्स और थंब्स को मूवमेंट्स करेंगे, वन टू थ्री, सभी को आराम से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर, दिख रहा है। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन,
अपनी मुंडी को बंद करते हुए कोहनी से हाथ को फोल्ड करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन एंड रिलैक्स। चेयर पोज करेंगे, उत्कट आसन करेंगे जिसको होल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पे करेंगे। घुटनों को हल्का सा फोल्ड करना है, बेंड करना है। कमर सीधी रहेगी, हाथ धीरे धीरे हथेली खोल के ऊपर उठाना है, पूरा ऊपर लेके जाना है और अपनी हथेली को देखना है। हथेली के दोनों पीस से सीधा ऊपर देखना है, आपके ऊपर जो भी छत हो इसका है और जो भी हो उसको देखना और ऐसे होल्डिंग करना है। पाँव ऐसे मिले हुए नहीं होंगे, आपस से ऐसे होंगे खुले और हाथ सीधे होंगे। होल्डिंग करना है, काउंटिंग के साथ में सभी होल्डिंग करेंगे। अपना वीडियो ऑन रखेंगे। वन टू 20 सेकेंड होल्ड, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ऊपर देखना है दोनों। सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड रिलैक्स रिलैक्स। अब है ताड़ासन, स्ट्रेचिंग पोज। अपने फिंगर्स को आपस में लॉक करना है, हथेली सर पे और स्काई की तरफ ऊपर। डीप ब्रेथ इनहेल करते हुए पूरे अपने पंजे पे ऐसे खड़ा होना है और हाथों को ऊपर लेके जाना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, खींचना है ऐसे और सामने की तरफ देखना है। पूरा बॉडी को खींच के सामने की तरफ देखना है, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है काउंटिंग के साथ में। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइनटी ट्वेंटी एंड रिलैक्स। अब है ट्री पोज। अपने लेफ्ट पाव को ऊपर उठाना है आराम से धीरे धीरे और अपने राइट पाव के साइड पे रखना है और दोनों हाथों को धीरे 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 ऊपर उठा के नमस्कार मुद्रा में रखना है। बैलेंसिंग पोज, थ्री पोज, काउंटिंग के साथ में 20 सेकेंड। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड धीरे से रिलैक्स बिल्कुल स्लोली स्लोली डाउन। अब अपने राइट पाँव को ऊपर उठाना है और लेफ्ट को बैलेंस में रखना है। धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड
रिलैक्स। अब आराम से बैठ जाइए अपने आसन पे, अपनी योगा मैट पे आराम से बैठ जाइए, जो भी आपको सही आसन लगे, पद्मासन, वज्रासन, उसमें आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है और मेरा वीडियो प्रॉपर आ रहा है सभी को? यस सर। किसी किन्हीं का मैसेज आया था कि सर आपका वीडियो और प्रॉपर नहीं आ रहा, मैंने कहा एक बार ब्रीफ कर ले। यस सर, प्रॉपर है सर। प्राणायाम, कपालभाति, वैसे प्राणायाम में नहीं आता है, कपालभाति क्रिया है, कपालभाति का अभ्यास करेंगे। एक बात हमें ध्यान रखनी है, जब हम प्राणायाम करते हैं या कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ध्यान मुद्रा होती है सिर्फ ध्यान, और हम मंत्र जाप करते हैं। जब हम ब्रीदिंग इन आउट करते हैं तो हमारी जो मुद्रा होती है वो होती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा आपकी जो उंगली है उसको अपने थम्स के नीचे ऐसे दबा के रखना है, दोनों उंगली को थम्स के नीचे, बाकी तीनों उंगली सीधी रहेगी, घुटनों पे हाथ रहेंगे, आराम से बैठिए, रिलैक्स होके कमर सीधी। कपालभाति में आपकी ब्रीथ को आउट करना, आउट करना, आउट करना। जब ब्रीथ आउट करोगे तब आपका स्टोमक, पेट अंदर की ओर जाएगा, फुट अंदर की ओर होगा, झटका नहीं देना बॉडी को, बहुत प्रेम पूर्वक करना, आंखें सभी की बंद रहेगी, मन में काउंटिंग के साथ में एक बार में 100 स्ट्रोक लगाने, काउंटिंग के साथ में 1 2 ऐसे काउंटिंग के साथ में एक बार में 100, जो बीमार है वो एक बार में 50, और जो जिनको ज्यादा डिजीज है वो 30, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे जैसे आपकी डिजीज क्योर होती जाती है वैसे वैसे आप अपने कपालभाति को बढ़ा सकते हो। तो अभी हम आंखें बंद करके प्रेम पूर्वक आराम से अपने मन ही मन काउंटिंग करके एक बार 100 स्ट्रोक कंप्लीट करेंगे। काउंटिंग के साथ में सभी करेंगे, सभी करेंगे काउंटिंग के साथ में। सभी काउंटिंग के साथ में करेंगे। रिलैक्स। अब हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। मैं सभी प्राणायाम को आराम से बताऊंगा कौन क्या बेनिफिट्स करता है। अनुलोम विलोम करेंगे, राइट हाथ को अपने नोस्ट्रल पे लाएंगे, थंब से
राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से डीप ब्रेथ को इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है, राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। अपने अंगूठे से दाएं नाक को बंद कीजिए, बाएं नाक से श्वास को अंदर भरिए, गहरा श्वास भरिए। अब बाएं को अपने उंगली से बंद कीजिए और दाएं से छोड़िए। अब दाएं से अंदर भरिए, बाएं से छोड़िए। बाएं से श्वास को अंदर भरिए, दाएं से छोड़िए, दाएं से अंदर भरिए श्वास को, बाएं से छोड़िए, लेफ्ट नोस्ट्रल से डीप ब्रेथ इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। सभी की आंखें बंद रहेगी और इस कर्म को दोहराते रहिए। सभी आंखें बंद, सभी की आंखें बंद। रिलैक्स। अब हम अभ्यास करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम थायराइड के लिए होता है, स्पेशली गले के रोगों के लिए होता है, जिसमें आपको अपने कंठ से ब्रीदिंग को इनहेल करना है, श्वास को अंदर भरना है, होल्ड करके रखना है, अपने लंग्स के अंदर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है और राइट नाक को बंद करके, राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से पूरा एक्सहेल करना है। मैं करके बताऊंगा, एक बार आप देखिए, फिर इसके बाद में आप दोहरान कीजिएगा, आप रिपीट कीजिएगा। गले से श्वास को अंदर भरना है, होल्ड करके रखना है, राइट नाक को बंद करके नोस्ट्रल को लेफ्ट से पूरी सांस को एक्सहेल करना, पूरी सांस को बाहर निकालना है। सभी इसका अभ्यास करेंगे, कंठ से साउंड आएगा, वाइब्रेट होगा, आवाज आएगी। गले से सांस को अंदर भरिए, उज्जयी प्राणायाम,
से एक बार वापस रिपीट करेंगे, गले से श्वास को भरना है। ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने तीन फिंगर्स आंखों पे और सर पे रहेगी एक, और आप सर पे भी रख सकते हो अपने अंगूठे से। कान को बंद करना है, नाक से गहरी श्वास से भरनी है, और भवरा भवरा करता का अनुवाद करना है। अंदर ही अंदर गहरी श्वास को भरिए, गहरी श्वास भरिए। गहरी श्वास भरिए। रिलैक्स, अब हम ध्यान करेंगे, जिसको मेडिटेशन कहते हैं ध्यान। आराम से बैठिए पद्मासन में, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए। ध्यान मुद्रा लगाइए, आंखें बंद रखिए। सभी ध्यान मुद्रा लगा के आंखें बंद रिलैक्स होके बैठेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे। सरेंडर की भावना से बैठेंगे बिल्कुल ही, और तीन बार अभ्यास करेंगे। गहरी श्वास को लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे। डीप ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, डीप ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल। आराम से प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद, अपने ध्यान को अपनी श्वासों पे लेके जाइए। जो ब्रीदिंग आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, इन आउट कर रहे हो, उसके ऊपर लेके जाइए अपने ध्यान को, बाकी सभी जगह से हटा के। महसूस करिए कि धरती माता से जो एनर्जी आ रही है आपकी बॉडी के अंदर, वो आपके
पांवों से होते हुए आपके शरीर के अंदर आ रही है। और आपके बॉडी के एक एक पार्ट्स को रिलैक्स फील करवा रही है। आपके घुटने, आपके थाइज, आपके पांव, अंगूठे सारे रिलैक्स फील कर रहे हैं। पूरी बॉडी, आपकी कमर, आपके हाथ, आपकी गर्दन सब आराम की स्थिति में जा रहे हैं, सब रिलैक्स हो रहे हैं। महसूस कीजिए। अब अपने ध्यान को अपने हृदय के ऊपर लाइए, अपने हाथ अपना फोकस बनाए रखिए, अपने ध्यान को वहां पे बनाए रखिए। सभी की आंखें बंद रहेगी, बिल्कुल आराम। रिलैक्स। आंखें बंद। आपके आंखें सभी की बंद रहेगी,
संगठन मंत्र का जाप करेंगे, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा सभी मेरे साथ में रिपीट करेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीमस्तु मा विदिशावहे। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीमस्तु विदिशावहे। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीमस्तु मा विदिशावहे। आंखें बंद रहेगी, दोनों हाथों को अच्छे से रब करना आपस में, पूरी एनर्जी के साथ में दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कीजिए। और अपने चेहरे पे घुमाइए और धीरे धीरे प्रेम पूर्वक आंखें खोलिए, क्लैपिंग कीजिए जोर से। और रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। मैं बुलाना चाहूंगा प्रदीप सर, अरुण सर, जो भी पोस्ट के तौर पे यहाँ पे हैं, वो सभी को बताइए आगे के जो भी दिशा निर्देश होते हैं। श्रीपाल जी धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ हमारे सभी साथी आपसे कुछ न कुछ कहना चाहते होंगे कि उन्हें कैसा महसूस हुआ, कितना रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, और आगे जाके इसको जब एवरीडे लाइफ में प्रयोग करेंगे तो उनके शरीर को कितना फायदा होगा। हम सबकी तरफ से मैं इनवाइट करता हूँ प्रदीप जी लाहौटी को कि वो हम सबकी जो भावना है, ये जो अच्छा सेशन हुआ उसके बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं, हम सबकी ओर से दो शब्द कहें। प्रदीप जी लाहौटी। ओके, धन्यवाद। तो आज श्रीपाल जी ने बहुत अच्छे से, मतलब बहुत आसान तरीके से हमको योग कैसे करना चाहिए ये हमको सिखाया है। और जैसे उन्होंने एक अच्छी बात कही थी स्टार्टिंग में कि योग हमको नेचर से जोड़ता है, तो ये चीज है जो हमको ये सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे तक नहीं सीमित रखना है कि हमको ये एवरी डे करना है। और जैसे उन्होंने कहा था कि हर चीज का, जब भी वो बता रहे थे कि उसके क्या फायदा होता है अपने बॉडी में, कि किसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज से अपना थायराइड ठीक होता है, तो इससे हमको काफी उपयोग होगा कि अगर हम एवरी डे इसको कंटिन्यू करेंगे तो मैं जीवाईसी की तरफ से, पूरे जीवलाइफ के परिवार की तरफ से श्रीपाल जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला और हम सबको इस डायरेक्शन में और हमको इंकरेज किया। धन्यवाद श्रीपाल जी। सर, कोई मेरे से कोई अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ पूरी आपकी पूरी टीम से, आपसे एक स्टूडेंट के तौर पे।
काफी अच्छा था, काफी अच्छे से आपने सिखाया आपने, और मतलब मुझे लगता है कि सभी लोगों ने कुछ ना कुछ, चाहे योगा हम पहले से कर रहे हैं काफी लोग हमारे बीच में, लेकिन आपसे जुड़ के मुझे सर बहुत अच्छा फील हुआ, और मैं चाहूंगा कि आप हमेशा मुझे बुलाते रहिए, अपने सेशंस में इनवाइट करते रहिए। बिल्कुल मैं अपना 100% दूंगा। मुझे एक सेवा करने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी होती है एनजीओ के साथ में वर्क करने से और आपके जैसे एनर्जेटिक पर्संस के साथ में काम करने से, क्योंकि आगे बढ़ना ही एक जीवन का ध्येय और लक्ष्य है हमारा। तो हम सबको बहुत अच्छा लगा, और जैसा आपने कहा हम फिर मिलेंगे, फिर से आपको इनवाइट हम जरूर करेंगे, ये हमारा सौभाग्य है, और इसी कार्यक्रम को आगे की दिशा में आगे और बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम सबको रोज, जैसा शिपाल जी ने कहा, कम से कम 1 घंटा रोज ये अभ्यास करना ही करना है, ताकि अगली बार जब शिपाल जी हमारे पास में आएंगे तो हम इससे आगे का जो एडवांस लेवल है वो हम कम्प्लीट कर सकें। सो दोस्तों, इसी के साथ में आज का कार्यक्रम हमें यहाँ समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अभ्यास करते रहिए और शिपाल जी को अगली बार बुलाने की प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।